टेक्निकल पैनल के ट्रेडिंग आइडिया स्पॉट करने की बारी है। शुरुआत प्रशांत से आपसे करेंगे, बताइए क्या खरीदारी के कॉल्स हैं इस बाजार में? जी मानसी, बिल्कुल। एक सबसे पहला मुझे जो लग रहा है पिक वो होगा कैनरा बैंक। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 298 298 का क्लोजिंग बेसिस। मेरा टारगेट होगा 330। मुझे लग रहा है मंथ ऑफ मई पीएसयू बैंक्स, छोटे और जो नॉर्मल एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल एज जो स्मॉल बैंक है, यानी जे एंड के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ये बास्केट बहुत अच्छे से मूव हो सकता है। तो मेरा पिक होगा कैनरा बैंक 298 क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 330। और नेक्स्ट वीक मेरा होगा टाटा मोटर्स। मुझे लग रहा है इसका जो एक अहम रेजिस्टेंस था 470-474, इसके ऊपर ये दो दिनों तक सस्टेन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहूंगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 464-464। मेरा टारगेट होगा 495, 495 से लेके 500 के आसपास। टाटा मोटर्स 500 तक का टारगेट, 495 पहला और 500 दूसरा टारगेट, और कैनरा बैंक। किरण, आपकी क्या आज की बेट्स? हमारे दो पिक्स है, दोनों बाई तरफ है। पहला जो है वो रेलवे काउंटर के अंदर से आईआरसीटीसी। अगर आईआरसीटीसी की हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे थे 600 एक मल्टीपल सपोर्ट था, वो सपोर्ट तोड़ने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं 560 के आसपास गया, वहां से अभी वापस ये 600 के ऊपर आया है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम के 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, और लास्ट दो तीन दिन से या इनफैक्ट पूरे वीक में हमने देखा है कि रेलवे काउंटर में काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस आया, कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी उसमें अंडर परफॉर्म है। सो करंट मार्केट प्राइस 608 के आसपास कल का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 630 तक के हमारे टारगेट है एंड 590 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो हमारा पिक है वो टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर में रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद कल हमने देखा कि नीचे के लेवल से जो एक शार्प रिकवरी आई, साथ ही साथ दो दिन पहले एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला, और ब्रेकआउट लेवल जो है वो 731 का है। कहीं ना कहीं लास्ट दो दिन से वहाँ कंसोलिडेट हो रहा था, कल एक फॉलो अप बाइंग विथ वॉल्यूम हमने देखी है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो टाटा कंज्यूमर 746 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 770 एज अ टारगेट हम मेंटेन कर रहे हैं एंड 732 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे टाटा कंज्यूमर में। सो आईआरसीटीसी एंड टाटा कंज्यूमर बोथ आर द बाय कॉल्स। अच्छी मजबूती है ही इस पॉकेट से आरसीटीसी और कंजम्पशन से टाटा कंज्यूमर। चार कॉल्स टेक्निकल आपको मिले और चारों के चार खरीदारी के। लेकिन लेकिन अब हमारे पैनल पर कुश बोरा भी हैं, उनसे भी समझते हैं। कुश के मॉर्निंग आज के रिकमेंडेशन भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुश आप एक बार कैल्विन होम्स पर भी अपनी राय दें। नंबर्स आए, वाई एंड वाई फिगर्स तो आपको बेटर दिख रही है, लेकिन रिजल्ट आप देखें तो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा वीक लग रहा है। क्या कैल्विन होम्स पर आज दबाव दिख सकता है? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल दिख सकता है, इसका एक रीजन टेक्निकली ये भी है कि 600 जो इसके लिए टिपिकली एक रेजिस्टेंस जोन रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है और टेक्निकली भी हम देखें तो एक यू नो रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे अगर कोई लेना भी चाहे तो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं था। अब जैसा बता रहे हैं अगर नंबर्स के चलते थोड़ी सी वीकनेस आती है तो देन बाय ऑन डिप्स इसमें बिल्कुल बनता है, बिकॉज एक डबल बॉटम बना के 510 515 के आसपास इसने एक अच्छा खासा रिबाउंड दिया है, ब्रेकआउट दिया है, तो थोड़े से डिप्स में अगर आपको मिले तो बाय कर सकते हैं। 565 के करीब जो इसके लेवल्स हैं, यहाँ पे से मल्टीपल एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं, सो 565 550 इस रेंज में अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होगा और जो बाइंग लेवल्स हैं ये भी काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। सो दैट इज ऑन यू नो कैल्विन होम्स। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, आई कैन अश्योर यू आई हैव नॉट स्पोकन टू आस्था यू नो बिफोर दिस, बिकॉज उनका अपडेट और मेरा जो स्टॉक पिक है ये मैच हो रहा है, विच इज पावर मैक। कुछ समय पहले हमने भी ये डिस्कस किया था 2475-2500 के टारगेट्स के लिए, स्टॉक ने कंफर्टेबली इनको सरपास किया है और जो मोमेंटम है ये अभी भी बरकरार है। सो मेरे हिसाब से आप इसमें अभी भी यू नो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2800-2950, ये जो लेवल्स 2590 ये जो लेवल्स हैं ये आपके लिए ऐसा स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज यू नो वेक्टर फूड्स। दिस स्टॉक इज वेरी क्लोज टू इट्स यू नो लिस्टिंग डे हाइज, लेकिन जिस तरीके का सेटअप, मोमेंटम और यू नो वॉल्यूम एक्शन हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अपसाइड अच्छा खासा है। 640 के इमीडिएट टारगेट के लिए बाय करें, 600 जो है ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। के कॉल्स कुश की तरफ से भी, मिसेस वेक्टर्स फूड इस पर लगातार हमारी नजर भी रहती है और इनफैक्ट ये स्टॉक कह सकते रिच कैटेगरी से बिलोंग करता है और यहाँ पर टेक्निकल नजरिया फंडामेंटल आउटलुक भी पॉजिटिव रहते हैं और साथ ही पावर मैक प्रोजेक्ट्स। लेकिन एक्शन